यहाँ पर आया हूँ। मैंने अभी अलीगढ़ मंडल की समीक्षा ली है, यद्यपि मैं प्रतिदिन प्रदेश में प्रत्येक मंडल की प्रत्येक जनपद की समीक्षा वहाँ पे करता हूँ, वर्चुअली सभी लोगों से जुड़ता हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम लोगों ने फील्ड में उतर करके भी इस महामारी के खिलाफ चल रहे अभियान की यहाँ पर समीक्षा शुरू की है। आज मैं अलीगढ़ मंडल में यहाँ पर आया हूँ। पिछले 12 दिनों के अंदर प्रदेश के अंदर अगर कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या हम देखेंगे तो ये संख्या 12 दिन के अंदर 1,06,000 कम हुई है। प्रदेश सरकार ने ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट की जिस नीति को आगे बढ़ाया है, इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोग पहले दिन से ही इस अभियान के साथ जुड़े हैं और सेकंड वेव पर भी हम लोगों ने इसी आधार पर नियंत्रण स्थापित किया है और ये लगातार इस पर हम लोग इसको प्रभावी रूप से इसके संक्रमण की चेन को ब्रेक करने का कार्य कर रहे हैं। व्यापक पैमाने पर टेस्ट हो रहे हैं। प्रदेश के अंदर आज के दिन पर हम लोग 4,36,00,000 से अधिक टेस्ट पूरे कर चुके हैं। प्रदेश के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट वेव की तुलना में सेकंड वेव में जो हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या आई थी वह थी कि ऑक्सीजन की डिमांड अचानक बढ़ी, क्योंकि फर्स्ट वेव के समय में चाहे वह हॉस्पिटल रहे हों, चाहे वह होम आइसोलेशन में रहने वाले कोविड पॉजिटिव रहे हों, इनमें से किसी ने भी ऑक्सीजन की डिमांड उस दौरान नहीं की थी, क्योंकि हॉस्पिटल के अपने एग्रीमेंट होते थे ऑक्सीजन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के प्लांट के साथ, तो उस समय कोई भी इस प्रकार की समस्या नहीं इसके साथ खड़ी हुई थी। लेकिन सेकेंड वेव में अचानक समस्या खड़ी हुई और उसके लिए हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिनके निर्देश पर एयरफोर्स के जहाजों ने और रेलवे भारतीय रेल ने मदद की और आज ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से और वायुसेना के विमानों के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 300 मीट्रिक टन की ऑक्सीजन की सामान्य दिनों में खपत होती थी, लेकिन सेकेंड वेव के दौरान यह बढ़ करके 1,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा हो गई प्रतिदिन। कल ही हम लोगों ने 1,030 मीट्रिक टन की आपूर्ति प्रदेश में की है और ये लगातार चल रही है। प्रदेश के अंदर टीकाकरण की जो स्थिति है, कोविड से बचाव का जो सबसे अच्छा माध्यम है वह है टीका। पहले तो बचाव हम करें, लेकिन सुरक्षा कवच के रूप में टीका हम जरूर लगाएं। और टीका के लिए अब तक प्रदेश ने 1,43,00,000 टीके लगाए हैं 45+ के लोगों को और 2,65,745 टीके लगे हैं 18 से 45 वर्ष की उम्र के लोगों को प्रदेश में अब तक लगाए हैं और ये टीकाकरण का कार्यक्रम प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में वर्तमान में ऑक्सीजन की संभावित संकट को फिर से इस प्रकार की क्राइसिस न हो, इसमें प्रधानमंत्री केयर फंड से प्रदेश को 161 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की सहमति मिली है, कुछ पर कार्य प्रारंभ हो चुका है और राज्य सरकार भी अपने संसाधनों से अलग अलग विभागों के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग, गन्ना विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, CSR से
एमएसएमई और अन्य विभागों के माध्यम से भी ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। हम 377 नए ऑक्सीजन प्लांट के लिए वर्तमान में राज्य के अंदर काम चल रहा है। प्रदेश के अंदर वर्तमान में हम लोगों ने बेड्स की क्षमता भी बढ़ाई है। L2, L3 फैसिलिटी के हमारे पास इस समय बेड्स की संख्या 80,000 के आसपास है और हम लोग निरंतर इसमें वृद्धि कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि थर्ड वेव की जो आशंका व्यक्त की जा रही है, यद्यपि सेकंड वेव में भी आशंका व्यक्त की थी कि उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 5 से 10 मई के बीच में 1,00,000 कोविड पॉजिटिव के केस प्रतिदिन आएंगे, लेकिन आज 12 मई है। 12 मई को उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 17,000 पॉजिटिव केस आए हैं। हम लोगों ने उन आशंकाओं को निर्मूल साबित किया है, लेकिन लापरवाही और सतर्कता हमेशा बनी, लापरवाही हमेशा छोड़नी पड़ेगी और सतर्कता हमेशा बनी रहनी रखनी पड़ेगी। इसी दिशा में हम लोग थर्ड वेव की भी आशंका को ध्यान में रखते हुए अभी से हम लोगों ने इसकी तैयारी भी एक अलग से टीम लगा करके प्रारंभ कर दी है कि पीडियाट्रिशियन जो पीडियाट्रिक्स के ICU का निर्माण अभी से हर जनपद में प्रारंभ हो, उनकी ट्रेनिंग के कार्यक्रम हो। पोस्ट कोविड का जो एक इफेक्ट देखने को मिला है ब्लैक फंगस के रूप में, इसकी ट्रेनिंग और इसके उपचार की प्रॉपर व्यवस्था हम लोगों ने लखनऊ से प्रारंभ कर दिया और एक दो दिन के अंदर हमारे एक जनपद में इसके बारे में वर्चुअली इसका सेमिनार करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले हैं और इन चीज़ों को तेजी के साथ आगे बढ़ा इसको हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया हमारी चल रही है। हम लोगों ने जो हमारे बड़े मेडिकल कॉलेजेज हैं, बड़े हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे LMO प्लांट या एयर सेपरेटर प्लांट ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए लगाए हैं, लेकिन जो दूर दराज के जो हमारे CSC हैं उनमें भी ऑक्सीजन की आवश्यकता लोगों को पड़े, इसके लिए 20,000 से अधिक हम लोगों ने अब तक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पूरे प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाए हैं। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ऑक्सीजन की आपूर्ति वहाँ पर आराम से 5 घंटे ऑटोमेटिक वो चलते हैं, एटमोस्फियर से ही वे ऑक्सीजन लेते हैं, उसके माध्यम से इसको चलाने का काम कर रहे हैं और सफलतापूर्वक ये प्रदेश के अंदर संचालित हैं। अलीगढ़ मंडल में आज मैं आया हूँ, अलीगढ़ मंडल में यहाँ पर एक्टिव केस की संख्या अब कम होती जा रही है। पिछले एक सप्ताह में यहाँ पे लगभग 200 से अधिक एक्टिव केस कम हुए हैं। पॉजिटिविटी रेट में निरंतर गिरावट है। अगर ओवरऑल कमिश्नरी का हम देखेंगे तो यह पहले 20% के आसपास थी, अब यह घटकर के 5% के आसपास है और हमारा प्रयास है कि इस पॉजिटिविटी रेट को और भी कम लाने के लिए इसके लिए हर एक जनपद को टेस्ट बढ़ाने के लिए कहा गया है। प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। इसमें ऑक्सीजन के टैंकर भेजे जा रहे हैं, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन निरंतरता इसमें बनी रहे इन कार्यों को, और मुझे यहाँ पर देख करके इस बात की प्रसन्नता है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के निर्माण की कार्रवाई अलीगढ़ में प्रारंभ भी हो रही है, उसका ट्रायल चल रहा है और सफलतापूर्वक ट्रायल होने के बाद अलीगढ़ में उसके कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। इस मंडल में 161 वेंटिलेटर वर्तमान में उपलब्ध हैं जो फंक्शनल हैं। मंडल में ऑक्सीजन के भी 246 कंसंट्रेटर वर्तमान में उपलब्ध हैं। इस मंडल में 14 नए ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 3 को क्रियाशील किया जा चुका है, शेष को क्रियाशील करने की तैयारी यहां पे चल रही है। मंडल में अब तक 4,13,285 प्लस के लोगों को टीका लगाया जा चुका है और जिन 18 जनपदों में हमारे 18 प्लस के लोगों को टीकाकरण की कार्रवाई प्रारंभ हुई है उनमें अलीगढ़ भी है। अलीगढ़ में जनपद में 5,721 लोगों को अब तक 18 प्लस के उन सभी युवाओं को भी टीका लगाया जा चुका है। मंडल में वर्तमान में 85 एम्बुलेंस डेडिकेटेड कोविड कार्य के लिए लगी हुई हैं और यहां पर इस बात के लिए प्रशासन से कहा गया है कि 108 की 75% तक एम्बुलेंस को आप कोविड कार्य के लिए लगा सकते हैं।
हर जनपद में महिला और बच्चों के लिए एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल अलग से बनाए। इसके अलावा यह भी व्यवस्था की गई है कि नॉन कोविड पेशेंट को और कोविड पेशेंट के लिए टेली कंसल्टेशन की सुविधा, और उनके लिए नॉन कोविड पेशेंट के लिए हर जनपद में जो गंभीर रोगी हैं उनके लिए अलग से उपचार की व्यवस्था भी हर एक जनपद में हो। जो जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति की कार्रवाई भी यहाँ पर प्रारंभ की जा रही है। आज मैं यहाँ पर EMU में हम लोगों ने यहाँ पर समीक्षा इन सब बातों को लेकर के की है, जिसमें चार अलीगढ़ मंडल यहाँ पे प्रत्यक्ष था, यहाँ के जनप्रतिनिधि थे। शेष अन्य जनपदों में वर्चुअली मैं जुड़ा था, वे सभी लोग अपनी बातों को उनसे मैंने यहाँ पर अपनी बातों को उन्होंने बताया, मैंने उनके साथ शेयर किया। EMU में मेरा आने का एक और उद्देश्य था कि मीडिया में कतिपय उसमें मीडिया के उसमें एक खबरें चल रही थी, EMU में बहुत सारे प्रोफेसर या बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है कोविड के कारण। मैंने कल और परसों दोनों दिन EMU के VC साहब से भी चर्चा की थी और उन्होंने मुझे इस बारे में बताया कि हाँ, EMU में यहाँ पर 16 ऐसे लोग हैं जिनकी कोविड से मौत हुई है, जिनमें 10 की यहाँ की अंत यहाँ हुई, 4 की अलग अलग स्थानों पर हुई और 2 दिल्ली में जिनकी मौत हुई थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह कि जो पहले चरण में वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में लोग वैक्सीन नहीं लगा पाए थे, उस कारण से भी ये चीज़ें हुई हैं। लेकिन अब वैक्सीनेशन के कार्यक्रम के साथ सभी जुड़ चुके हैं और ये वैक्सीनेशन के कार्यक्रम के साथ जुड़ना ये अपने आप में एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। यहाँ पर ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए उन्होंने डिमांड की थी, राज्य सरकार ने उन्हें ऑक्सीजन आपूर्ति LMO कल से प्रारंभ की कर दी है, और भी हमने उनको कहा है कि जो भी अन्य आवश्यक संसाधन और सुविधाओं की आवश्यकता पड़ेगी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, EMU प्रशासन, जनप्रतिनिधि मिलकर के इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करें। एक एक व्यक्ति का जीवन अमूल्य है, इस समय मानवीय संवेदना सबसे महत्वपूर्ण है। हर एक पीड़ित के प्रति हमारी संवेदना होनी चाहिए और उसको हम संवेदनशील तरीके से बचाने का कार्य कर सकें, यह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और मैं अभिनंदन करूंगा अपने सभी हेल्थ वर्कर्स का, उन सभी कोरोना वॉरियर्स का जो इस कार्य के साथ मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं और एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाने का कार्य कर रहे हैं। मेरी आप सबसे भी अपील है कि बचाओ सर्वोत्तम उपाय है, लेकिन अगर कहीं किसी में कोई लक्षण है, किसी को आशंका हो, तत्काल जांच करवाए। जांच कराने से भागे ना। देखिए, बीमारी से बीमारी को छुपाने से बीमारी समाप्त नहीं हो जाती, वो विकराल रूप धारण करती है। इसलिए आपके पास हमने एक सिस्टम बनाने का प्रयास किया है, हम एक महामारी से लड़ रहे हैं, इसलिए बीमारी को छुपाए ना, बताएं। सरकार हर प्रकार की सुविधा दे रही है, वैक्सीन फ्री दे रही है, दवा फ्री कर रही है, सब कुछ फ्री कर रही है, भारत सरकार पूरा सपोर्ट कर रही है। इसमें बीमारी को छुपाने से अच्छा हम उपचार कराने में तत्काल आगे आए और जो भी गाइडलाइन है उसका पालन करें। प्रत्येक नागरिक इस बात को ध्यान में दें कि कहीं भी कोई ऐसी स्थिति ना आने पाए जहां पर कहीं संक्रमण की चेन स्प्रेड होती हो, इसको ब्रेक किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए मेरी सबसे अपील है कि हम, और खासतौर पर मीडिया के माध्यम से, हम पब्लिक में अवेयरनेस पैदा करें। हाई रिस्क कैटेगरी के लोग, यानी 60 साल से ऊपर, 10 वर्ष से छोटी उम्र के लोग, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, गंभीर रोग से ग्रसित कोई भी व्यक्ति या कम इम्यूनिटी के व्यक्ति, ये लोग घर के बाहर ना निकलें, घर में भी मास्क लगाएं। दूसरा, हम इस चीज का पालन करें कि अगर किसी भी व्यक्ति को बाहर निकलना आवश्यक हो, सामान्य नागरिकों को भी, वे मास्क जरूर पहने। कोई चीज का लेन देन कर रहे हैं तो उन स्थितियों में हम लोग ग्लव्स जरूर पहने या सैनिटाइजर से हाथ जरूर साफ करें और पूरी सतर्कता के साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ें। ये टीम वर्क ही रिजल्ट देगी और ये टीम वर्क ने ही ये रिजल्ट दिया है। उत्तर प्रदेश की निगरानी समिति और RRT के द्वारा जो कार्य प्रारंभ हुआ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी उसकी सराहना की है और हम लोग इस अभियान को एक निरंतरता
बनाए रखेंगे जिससे प्रत्येक व्यक्ति को हम लोग, चाहे वह हॉस्पिटल में हो या घर में हो, अगर कोविड पॉजिटिव है हम उसको मुफ्त में उपचार और मेडिकल किट की सुविधा उपलब्ध करवा सकें। जो 12 मई तक के डाटा संकलित किए गए हैं उसमें अब 2,04,000 एक्टिव केस वर्तमान में प्रदेश के अंदर हैं। प्रदेश ने टेस्ट और ट्रीट इस नीति को अपना करके अर्ली एंड एग्रेसिव कैंपेन पूरे प्रदेश के अंदर प्रारंभ किया है और उसके सार्थक परिणाम भी अब हम सबके सामने आ रहे हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश ने, अगर आप देखेंगे टेस्ट के मामले में, अब तक 4,36,00,000 से अधिक टेस्ट प्रदेश ने संपन्न किए हैं, जिसमें वर्तमान में प्रतिदिन हम लोग प्रदेश के अंदर 2,25,000 से लेकर के 2,50,000 टेस्ट कर रहे हैं। एक टेस्ट की क्षमता मार्च तक प्रदेश के अंदर 2,25,000 से 1,50,000 तक थी, हमने मार्च के बाद इसको एकाएक बढ़ाया है और ये संख्या वर्तमान में 2,25,000 से लेके 2,50,000 तक पहुंची है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने टेस्ट की क्षमता को एक दिन 2,97,000 तक भी किया था और निरंतर इसमें बढ़ोतरी करने के प्रयास हो रहे हैं। प्रदेश के अंदर या देश के अंदर आपने देखा होगा, जब फर्स्ट वेव चली थी तो फर्स्ट वेव के समय संक्रमण था लेकिन इतना तीव्र नहीं था। लेवल 1 के हॉस्पिटल में लेवल 2 और लेवल 3, ये तीन प्रकार के जो हॉस्पिटल बनाए गए थे, तीन प्रकार की जो सुविधाएं फैसिलिटी दी गई थी, इसकी संख्या में लेवल 1 में ही ज्यादातर लोग अपने आप ठीक हो जा पा रहे थे, ऑक्सीजन की आवश्यकता इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन सेकेंड वेव में अचानक पूरे देश के अंदर ऑक्सीजन की मांग उठी। फर्स्ट वेव के समय उत्तर प्रदेश के अंदर 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन जो हॉस्पिटल के द्वारा, मेडिकल कॉलेजेस के द्वारा स्वयं अपने एग्रीमेंट के आधार पर या अपने स्तर पर एयर सेपरेटर प्लांट लगा करके स्थापित किए गए थे, उनसे उनका काम चल लेता था। लेकिन सेकेंड वेव में अचानक ऑक्सीजन की आपूर्ति की मांग बढ़ी और हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में भारतीय रेल ने और भारतीय वायुसेना ने हमें सहयोग किया और आज हम प्रदेश के अंदर 1,030 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रतिदिन करने में सक्षम हुए हैं और ये आपूर्ति ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से भी और भारतीय वायुसेना के माध्यम से भी हम लोग इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन किसी आपूर्ति के क्रम में पीएम केयर फंड से, सीएम केयर फंड से गन्ना विभाग के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा और सीएसआर से भी 377 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्रवाई को अपनी स्वीकृति सहमति दी है। इसमें से कुछ प्लांट लग चुके हैं, कुछ लगने की प्रक्रिया में हैं।
वर्तमान में प्रदेश के अंदर हम लोगों ने बेड्स की क्षमता बढ़ाई है। लेवल वन के हमारे पास 1,60,000 बेड्स मौजूद हैं। लेवल टू लेवल थ्री के 80,000 बेड्स वर्तमान में प्रदेश के अंदर मौजूद हैं, जिनमें हर कोरोना पॉजिटिव को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर सुरक्षा कवच के लिए टीकाकरण को भी बड़े अभियान के रूप में लिया जा रहा है। 16 जनवरी से जब टीकाकरण का अभियान प्रारंभ हुआ था, पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स को टीकाकरण दिए गए। इसके बाद जो फ्रंट लाइनर थे, ऐसे वॉरियर्स को टीकाकरण के साथ जोड़ा गया और फिर एक क्रम आगे बढ़ा, पहले 65 प्लस को, फिर 45 प्लस को इसके साथ जोड़ा गया। अब तक प्रदेश के अंदर 45 प्लस में 1,43,00,000 से अधिक लोगों को टीका दिया जा चुका है। जो भारत सरकार टीका हर व्यक्ति को मुफ्त में उपलब्ध करवा रही है, राज्य के अंदर भी हम लोगों ने 18 प्लस को, 18 से 44 के बीच में टीकाकरण को राज्य सरकार को कराना है। राज्य सरकार बिना भेदभाव के सबको मुफ्त में टीका लगवाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मथुरा में भी, मथुरा वृंदावन में भी टीकाकरण का 18 प्लस का कार्यक्रम संपन्न प्रारंभ हो चुका है। हम लोगों ने प्रदेश में अब तक 2,65,700 से अधिक यूथ को भी टीकाकरण के साथ जोड़ा है, वे लोग, उनका टीकाकरण हो चुका है। और मथुरा के अंदर भी, मथुरा वृंदा जनपद के अंदर भी 6,000 से अधिक यूथ अब तक 18 प्लस से टीकाकरण में आच्छादित हो चुका है। प्रदेश के अंदर वर्तमान में टीकाकरण के लिए देश के अंदर उपलब्धता को ध्यान में रखकर एक ग्लोबल टेंडर भी हम लोगों ने जारी किया है। प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन का एक वैकल्पिक जो व्यवस्था हो सकती है, इसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। अलग अलग जनपदों को हम लोगों ने कुल 20,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अलग से उपलब्ध करवाए हैं, जो जिले के अंदर चिकित्सा कोविड हॉस्पिटल में या CHC जो कोविड हॉस्पिटल बनाए गए हैं, उन सब में उनकी सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। आज मैं यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की इस पावन भूमि पर आया हूँ। मैंने यहाँ पर अभी यहाँ के जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया है। कोविड पॉजिटिव से जो लोग पीड़ित थे, उनमें से जो लोग ठीक हुए हैं और बहुत सारे लोगों का उपचार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चल रहा है, डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में है, मैं उनका भी देख करके वहाँ से आया हूँ। कुछ लक्षण युक्त लोग भी वहाँ पर आए हैं, उन लोगों को भी ऑब्जर्वेशन में रख करके उनको तत्काल बेड्स उपलब्ध कराने की कार्रवाई चल रही है। जनपद में एक्टिव केस अब कम होने शुरू हुए हैं और पिछले एक सप्ताह में लगभग 600 के आसपास एक्टिव केस यहाँ पर इस जनपद के अंदर कम हुए हैं। डेली टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए जनपद प्रशासन को कहा गया है, जो 20% की पॉजिटिविटी रेट थी उसको निरंतर कम करते हुए 15% तक लाने में सफलता प्राप्त हुई है और ये कार्य निरंतर यहाँ पर चल रहा है। वर्तमान में 96 वेंटिलेटर, 56 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है और बेड्स की क्षमता भी पिछले एक सप्ताह में यहाँ 100 से अधिक ऑक्सीजन युक्त आइसोलेशन बेड्स यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। 45 प्लस के यहाँ पर अब तक जो वैक्सीन दिए गए हैं, उनमें 1,58,200 से अधिक लोगों को यहाँ पे 45 प्लस में वैक्सीन दिया गया है और 18 प्लस में 6,000 लोगों को यहाँ पर अब तक वैक्सीन उपलब्ध कराया गया है। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के अपने जनप्रतिनिधियों को भी, जिला प्रशासन को भी,
और उन सभी को जिन्होंने ऑक्सीजन की मांग होने के साथ ही यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट भी प्रारंभ करने में अपनी मदद की। हम लोगों ने लिक्विड ऑक्सीजन से भी यहाँ मदद करने की प्रयास किया है और ये यहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में कुल 11 नए ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर स्वीकृत किए गए हैं, जिनके माध्यम से आने वाले समय में ऑक्सीजन में आत्मनिर्भरता या किसी भी परिस्थिति का सामना करने में मथुरा जनपद सक्षम होगा और बाहर की निर्भरता पूरी तरह समाप्त होगी। कोविड कार्य के लिए 32 एम्बुलेंस केवल जनपद के अंदर डेडिकेट की गई हैं, जिनके माध्यम से लोगों को ये सुविधा उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी। कोविड यह एक महामारी है और महामारी को एक सामान्य फ्लू मानने की भूल हमें नहीं करनी चाहिए। बीमारी में बचाव सर्वोत्तम उपाय है, लेकिन अगर बीमारी हो जाती है तो बीमारी से को छुपाने की नहीं बल्कि तत्काल उसमें उपचार की आवश्यकता है। और मेरी आप सबसे अपील होगी कि लोगों को जागरूक किए जाने की आवश्यकता है कि बीमारी को छुपाया न जाए बल्कि तत्काल टेस्ट करवा करके और हम लोग अपना उपचार शुरू करें। हम लोगों ने इसीलिए प्रदेश के 97,000 राजस्व गांवों में वर्तमान में स्क्रीनिंग का एक विशेष अभियान निगरानी समिति और RRT के माध्यम से प्रारंभ किया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में निगरानी समिति स्क्रीनिंग के साथ ही मेडिकल किट भी वितरण कर रही है और जिन्हें वे चिन्हित करती है उन लोगों को RRT के माध्यम से एंटीजन टेस्ट 24 घंटे के अंदर हो, इस लक्ष्य के साथ एक अभियान चलाया जा रहा है जिसकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी जिसकी सराहना की है और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी हमारे सामने अब तक देखने को मिले हैं। मेरी आप सबसे अपील है कि हम सब लोगों से अपील करें, इस महामारी के खिलाफ हमें सामूहिक रूप से लड़ना पड़ेगा और ये सामूहिकता हमारे हर स्तर पर दिखनी चाहिए। एक टीम वर्क हो, कोई भी ऐसी बात न कहें जो हेल्थ वर्कर्स के मनोबल को तोड़े, कोरोना वॉरियर्स के मनोबल को कम करे। जो लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं उन्हें हतोत्साहित करे। इस प्रकार की कोई भी हरकत, कोई भी बयानबाजी और कोई भी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए।